वैधानिक चेतावनी, इस शो में दिखाए और सुनाए गए सारे जोक्स असली हैं। खबरों की गारंटी हम नहीं लेते। इस शो की घटनाएं और पात्र काल्पनिक बिल्कुल नहीं है। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से पूरा का पूरा संबंध हो सकता है, क्योंकि हमने रखा ही है। इस शो में दिखाई गई बातों से अगर आप आहत होते हैं तो ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है। हम या चैनल किसी के पर्सनल मैटर में टांग नहीं अड़ाते। इस शो की शूटिंग के दौरान इंसानों को छोड़कर किसी और जानवर पर कोई अत्याचार नहीं किया गया है। बॉयज एंड गर्ल्स, फन की बात किट्टू के साथ। फाइनली वो टाइम आ गया है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। तो मैं किट्टू आप सबका यहाँ वेलकम करती हूँ और इनका भी वेलकम करती हूँ। मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। ओहो, तो आज यहाँ करण अर्जुन भी आने वाले हैं। तो आज कार्तिक मौसा जी और गौरी मासी की शादी में कोई बहुत ही खुश है, और वो कोई और नहीं बल्कि कार्तिक मौसा जी की सासू माँ है। तो आइए उनसे पूछते हैं कि जब वो पहली बार कार्तिक मौसा जी से मिले तो उनका क्या कहना था। तुम्हारे जैसे लड़के को ना सर्वगुण संपन्न कहते हैं। आपने गौरी मासी को क्या सजेशन दिया था? शादी कर लेनी चाहिए। ओहो, तो गौरी मासी ने शादी के लिए हाँ कर ही ली। तो देखते हैं करीना कपूर के स्टाइल में कि गौरी मासी की बचपन से शादी को लेके क्या सोच थी। बचपन से ही ना मुझे शादी करने का बहुत क्रेज है भाई को। मम्मी ये बताइए, गौरी मासी हमेशा से शादी के लिए क्या बोलती थी? मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दूं। अरे कार्तिक मौसा जी, डिजाइनर लहंगा दिला दिया ना, नहीं तो टाटा बाय बाय। अच्छा, गौरी मासी और कार्तिक मौसा जी की शादी हो रही है, आपको कैसा लग रहा है? एकदम डायरेक्ट बोलो, दिल से बोलो। दिल से बोलो, दिमाग से बोलो, कैसे भी बोलो, लेकिन बस बोलो। मैं बता नहीं सकता कि कितनी खुशी हो रही। आपको कैसा लग रहा है? नवंबर खुश हुआ। ओहो, तो आज यहाँ सभी खुश है। तो बताइए आज यहाँ मेन्यू में क्या है? ढोकला, फाफड़ा, हंडवा, थेपला, खाकरा, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ। आप क्या खाना चाहोगे? नो थैंक यू। आप क्या लोगे? चाय। मोदी जी तो यहाँ भी चाय नहीं छोड़ेंगे। आज यहाँ इतने सारे परफॉर्मेंस हुए और मोस्ट इम्पोर्टेंटली नानू नानी का भी परफॉर्मेंस हुआ, आपको कैसा लगा? पेंडो फैंटास्टिक फैंटास्मगोरिकल। आपको कैसा लग रहा है? इंडियन टेलीविजन में ऐसा एक्ट कभी नहीं। आपको ये पूरा शो कैसा लगा? सुपर से बहुत 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 ऊपर वाला था। थैंक यू सो मच शिल्पा मैम। उम्मीद है फन की बात किट्टू के साथ में आप सबको बहुत ही मजा आया होगा। अब हम मिलेंगे दीपू मासी की शादी में, तब तक के लिए बाय बाय। We'll be right back.